सर मैंने हमेशा एक चीज को प्रेफर किया है और वो ये है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। भाई आपके पास स्किल्स अच्छी होंगी, आप कमाई अच्छी करेंगे। अगर आप अपने स्किल के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आप जस्ट वीडियोस देखते रहेंगे और अल्टीमेटली आपके पास अर्निंग कुछ भी नहीं होगी। और आपका क्लेम यही होगा कि सर मैंने इतनी वीडियोस देख ली हैं लेकिन मुझे अर्निंग नहीं हुई। तो आपने एक चीज समझनी है कि वीडियो देखने से आपको अर्निंग नहीं हो रही, आपको काम करने के साथ अर्निंग हो रही है। सुने, मैंने पीछे एक वीडियो में आपको बताया था कि चार ऐसी स्किल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकती हैं। उनके अंदर एक स्किल थी ग्राफिक डिजाइनिंग की। ग्राफिक डिजाइनिंग ये वो स्किल है जिसको कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं और इससे अर्निंग बना सकते हैं। अब एक चीज जरा समझे कि आज दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि हर बंदा अपने मोबाइल फोन के साथ होता है, हर बंदे के पास एंड्रॉयड फोन है, iOS है, लोग हर वक्त फोन के साथ इंगेज रहते हैं। और कहाँ पे इंगेज रहते हैं? अपने सोशल मीडियाज के साथ, यानी वो टिकटॉक पे बिजी हैं, फेसबुक के ऊपर बिजी हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, लाइकी के ऊपर हैं, स्नैप वीडियो के ऊपर है, यूट्यूब पे है, वट एवर सो वो किसी के ऊपर भी हैं, उनको वहां पे जो कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट का क्रिएटर कौन है? ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर। अगर आप भाई सिंपल टाइम के साथ इनको सीख लेते हैं, सिंपल स्टेप्स के साथ थोड़ा टाइम दे के ज्यादा अर्निंग देने वाले काम है, आसानी से समझ आ जाने वाले काम है, आप इनकी तरफ बढ़े। नहीं तो फिर आप कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे जो आपसे इन्वेस्टमेंट भी मांगेगा और आपसे टाइम भी मांगेगा और साथ में रेफरल भी मांगेगा। इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो जाया होगी, जिन लोगों को आप डालेंगे वो भी आपको बददुआएं देंगे। तो सर आप खुदा के लिए जेन्युइन काम की तरफ बढ़ें, आपको गाइड करना मेरा काम है। कुछ चीज समझ ना आए तो यूट्यूब में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हम बताएंगे। आज इस सिंगल वीडियो के अंदर जो आपको स्किल सिखा रहा हूँ सर, इसकी बेस पे आप 15 से जायद सर्विसेज दे सकते हैं और आप उनसे अच्छा पैसा बना सकते हैं। पैसा भी वो होगा जो आपके पास जैज कैश और आपके इजी पैसा वॉलेट के अंदर रिसीव आपको हो जाएगा और आप इसके ऊपर ग्रो करेंगे। जिस वेबसाइट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो नंबर वन वेबसाइट है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा काम वहां से कर रहे हैं और डेफिनेटली आज से आप भी करेंगे, लेकिन करेंगे तब जब सीखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कामयाबी के लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आप चैनल पर नए हैं तो सर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी हल्का सा प्रेस कर दें। सर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे और उस मोबाइल फोन से ही आप अपनी अर्निंग को दावत देंगे, अर्निंग को जनरेट करेंगे, आप अच्छा पैसा बनाएंगे। आपने करना क्या है, मोबाइल फोन पकड़ने जनाब। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको वेबसाइट के बारे में बता के उसकी रेटिंग भी दिखा देता हूँ कि वहां पे उसकी रेटिंग क्या है। सर ये कैनवा मैंने यहाँ ओपन किया है और अगर आप इसकी यहाँ पे रेटिंग देखें तो कैटेगरी रैंक में ये नंबर वन पे है और सर इसका जो टोटल विजिटर है 543.5 मिलियन विजिटर है, यानी इतने सारे लोग यहाँ पे काम करने, काम सीखने, काम में ग्रो करने के लिए आते हैं। ठीक है जी, अब से आप भी इन लोगों में शामिल हो रहे हैं। कैसे आपने शामिल होना है, कंप्लीट प्रोसीजर उसका गाइड कर रहा हूं और वो भी स्टेप बाय स्टेप। आपने सर सिंपली यहां जाना है अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में और यहां पे आप लिखेंगे कैनवा। कंप्लीट ट्यूटोरियल है जी, आपको हर चीज इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, कैसे कैसे कंटेंट लेना है, कहां कहां से लेना है, वो सारी चीजें आपको गाइड कर रहा हूँ। सर आप यहाँ पे इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पे ना ये इसका डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट जो है वो मौजूद है। सबसे पहले मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ कि आप अगर कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना चाहते हैं तो सर आप यहाँ पे आ जाएंगे सोशल मीडिया पोस्ट के साथ। मैं आपको 15 सर्विसेज का कह के आया हूँ, वो सारी आपको यहाँ पे गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई दो चार रह भी जाती है तो आपको इतनी एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि आप यहां से खुद जो है वो सीख पाएंगे, आप खुद जो है वो काम कर पाएंगे। अब यहां पे हर तरह की पोस्ट जो है वो मौजूद है। कैसे, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट है, आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो भाई आप इस तरह के टेम्पलेट्स को यूटिलाइज करके आप यहां पे कुछ भी एडिटिंग करके आप पोस्ट बना के डाल सकते हैं और उससे ग्रो कर सकते हैं। नीचे फेसबुक पोस्ट है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, व्हाट्सएप स्टेटस है, लोग जो है वो स्टेटस ढूंढते हैं, लोगों ने अपने साथ ऐप से ग्राफिक डिजाइनर अटैच किए हुए हैं जो हर रोज उनके लिए एक पोस्ट बनाते हैं, वो पोस्ट उनकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और उनके स्टेटस पे जाती है। आप किसी एक बंदे के साथ भी अटैच हो जाते हैं इस तरह से तो मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त जो है वो आपके लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे मुख्तलिफ कैटेगरीज है, थंबनेल्स हैं, आप इनकी सर्विसेज दे के भी अर्न कर सकते हैं।
सोशल मीडिया के अंदर यहाँ पे काफी सारी पोस्ट हैं, काफी सारे जो है वो टेम्पलेट्स मौजूद हैं और यूट्यूब बैनर्स भी हैं, जो पीछे बैनर आता है ना, कुछ चैनल आप ओपन करते हैं तो पीछे एक बैनर आ रहा होता है, तो इस तरह के बैनर जो है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और बैकग्राउंड जो है वो बैकड्रॉप बैकग्राउंड्स वो भी आप बना सकते हैं लिंक्डइन वगैरह के लिए भी, ठीक है जी। तो ये सारा सिलसिला आप यहाँ सोशल मीडिया में कर सकते हैं। उसके बाद सर आज है वीडियो की कैटेगरी में, यहाँ पे आप हर तरह की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसने एक टूल दे दिया है जिससे आप AI को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ हद तक वो फ्री है, बाकी वो पेड है, आपने फ्री वाले काम की तरफ बढ़ना है जिसमें आप जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे और आपका पैसा भी गुने लगेगा। अब यहाँ अगर आप देखें ना तो हर तरह की वीडियो, हर तरह का टेम्पलेट मौजूद है, आप रील बना लें इंस्टाग्राम की, आप टिकटॉक की वीडियो बना लें सर, आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना लें, आप कॉलेजेस के लिए वीडियो बना लें, बहुत सारे आपके गली मोहल्ले के ऐसे बिजनेस होंगे जिनको जो है वो छोटी छोटी पोस्ट चाहिए होंगी, जिनको छोटी छोटी वीडियो चाहिए होंगी, आप उनके लिए वीडियो जनरेट करें, आपको इंटरनेट को देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, आप जस्ट इस ऐप का इस्तेमाल करें, वीडियो बना के उन्हें दें और उनसे डायरेक्ट कैश लें। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप इंटरनेट के ऊपर रजिस्टर करें, कस्टमर का वेट करें और इतने सारे जो है वो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें और उसके बाद आप ये भी क्लेम करें कि सर इसके ऊपर तो कस्टमर आते ही नहीं है। नहीं आता तो ना आए कस्टमर, आप दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने टके के अंदर अपनी अर्निंग जो है उसको यकीनी बनाएं। सर उसके बाद आगे है प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस क्या होती है, जैसे मैं कोई लेक्चर वगैरह देता हूं, कुछ जो है वो मुझे सेमिनार अटेंड करना होता है तो उसके लिए मुझे स्लाइड्स बनानी होती है, उसके लिए मुझे कुछ होमवर्क करना होता है जिससे मैं लोगों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं और उनको अपनी बात को समझा सकूं, उसके लिए जो उसकी बेसिस है, उसके लिए जो कंटेंट है वो क्रिएट किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाइट बोर्ड्स हैं, वेबसाइट्स हैं और मोर के ऑप्शन पे जब आते हैं तो यहाँ पे बेशुमार चीजें हैं वो जो आप सोचेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे इन्फोग्राफी के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो ये सर वो सर्विस है जिसके अंदर आप जस्ट कंटेंट डालेंगे और आप यहाँ से अच्छा अर्न कर लेते हैं। इसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। मैं आज आपको यहाँ इन्फोग्राफी से ही सिखाता हूँ कि आपने काम किस तरीके कार से करना है और आपने जो है वो वहां से अर्निंग कैसे जनरेट करनी है, लेकिन आप जरा नीचे देख लीजिएगा कि और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ ऊपर मैं आया हूँ जी इन्फोग्राफिक्स, तो यहाँ पे सी आल के ऊपर आपने कर लेना है क्लिक। अब यहाँ आपके सामने कई सारे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स जो है वो ओपन हो चुके हैं जो आपकी कमाई का वसीला बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है, आप किस तरह की यहाँ पे प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं, किस तरह की यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं या किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो सर इसके लिए सिंपली मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ जी। चले यही पहला टेम्पलेट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है, ये देखे सर ये डिजाइन आपके सामने ओपन हो चुका है। अब इसके तीन स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स के अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहें, आप यहां पे कोई इंफॉर्मेशन देना चाहें तो वो सिंपली आप यहां पे देख सकते हैं। अब ये मैंने मोबाइल फोन से यहां पे जूम किया है और आप अगर इस कंटेंट को देखते हैं तो यहां पे मैं कंटेंट डालना चाहता हूं तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ऑप्शन तो ये है कि आप खुद से लिख लें या कस्टमर ने जो आपको दिया है वो आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, यानी आप खुद से लिख नहीं सकते, कस्टमर ने आपको दिया कुछ नहीं है, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा कि आप यहां पे ChatGPT से इन्फॉर्मेशन ले लें या गूगल से ले लें। गूगल से इन्फॉर्मेशन आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। ऊपर लिखा हुआ जी मार्केटिंग सेगमेंट, यहाँ पे मैं नीचे कह देता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम इज ऑफर्ड बाय विकास भट्टी। ये आपके पास यहाँ पे पूरा कोर्स भी है जो हम दे रहे हैं, उसकी भी डिटेल आप लेना चाहें तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं या हमारे जो है वो बुकिंग नंबर्स हैं आप उनको देख के वहाँ पे बुकिंग अपनी करवा भी सकते हैं। अब यहाँ पे सर इस कंटेंट को आप यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एडिट का ऑप्शन है, उसके बाद फॉन्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, तो फॉन्ट में यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट मौजूद होते हैं, आप कोई एक भी फॉन्ट जो है वो यहाँ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यानी आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरा चूज कर सकते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा चूज कर लीजिए। उर्दू फॉन्ट भी मौजूद है, उसके बाद बाकी जो है वो आपके पास हर तरह का फॉन्ट यहाँ पे मौजूद है, जो भी आपको समझ आए आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह है, फॉन्ट का साइज आपने करना है, तो यहाँ पे आप इसका साइज ये देख रहे हैं जी, साइज आप जितना ज्यादा करना चाह रहे हैं, जितना कम करना चाह रहे हैं, आप उस हिसाब से साइज की एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। बात समझ गए जी। तो आप इसी तरह जैसे आप इसको चेंज कर रहे हैं, इसी
उसी तरह आप यहाँ पे कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर आपको किस तरह का पसंद है, आपने यहाँ पे किस तरह का कलर डिजाइन इसको देना है, वो भी आप सिंपली यहाँ से कर रहे हैं। सर सारा जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, जस्ट आपके क्लिक्स के ऊपर जो है काम करेगा। फॉन्ट को आपने बोल्ड करना है तो उसको सर आप बोल्ड कर लीजिए, सेंट्रलाइज कर लीजिए। आप उसके अंदर जो है वो सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप समझने वाले बने, यहाँ पे चीजें बड़ी हैं जो आपको यहाँ पे जो है वो ग्रो कर सकती हैं। अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट आपने लगाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके स्टाइल जो है वो चेंज हो रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट भी लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके कार से आपने इसके ऊपर इफेक्ट लगाते जाना है, जो आपको पसंद आए आपने वो लगा देना है। उसके बाद अगर आप किसी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हैं, यानी वो मदम नजर आए या अच्छा नजर आए, बोर्ड नजर आए किस तरीके कार से, वो भी सारा यहाँ पे कर सकते हैं। और देन आप उनकी पोजिशन जो है उनको भी अटैच कर सकते हैं, अप डाउन फ्रंट बैक फॉरवर्ड जो है वो आप करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो सर कैनवा आपको अगर यूज करना आ जाता है तो आप मुख्तलिफ सर्विसेज यहाँ दे सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग की एक सिंपल सी सर्विस है जिसके बारे में गाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप ये नीचे वाला देखते हैं तो आप देख लें कि उसकी लुक में और जो हमने प्रिपेयर किया है उसकी लुक में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। अभी आप अगर इसको मल्टी टैलेंटेड माइंड के साथ यूटिलाइज करते हैं और आप जो है वो अच्छी अपनी सेटिंग के साथ इसको यूज करते हैं तो सर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर वगैरह लिखा हुआ है, वेबसाइट लिखी हुई है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली लगाएं और सर कस्टमर को आप हैप्पी करें और उससे अपनी मर्जी के पैसे ले लें। ठीक है जी, ये एक आपने इन्फोग्राफी जो है वो यहाँ पे ऐड की है। अब यहाँ पे आपने इसको करना है सर डाउनलोड, तो सेव इमेज का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा तो ये सिंपली एक आध मिनट के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप इस फाइल को जो है वो यूटिलाइज कर पाएंगे। ये लें जी, मेरा डिजाइन जो है वो कहां पे आ चुका है, मेरे पास गैलरी के अंदर आ चुका है। अब ये सर कैनवा के हवाले से एक चीज थी जो आपने सीख ली। इसी तरह बाकी जितने भी बैनर्स हैं, जितने भी पोस्टर्स हैं, जितनी भी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज हैं, वो सारी आप इसी तरीकेकार से कर सकते हैं। ये सैंपल मैंने आपको करके दिखा दिया। अब पीछे एक चीज बाकी है जिसमें आप क्या करेंगे जी, वीडियोग्राफी की तरफ आप आएंगे। वीडियोग्राफिक में अगर आप आ जाते हैं तो भाई साहब इसकी डिमांड खत्म ही नहीं होती। अगर आपको वीडियो बनानी आ जाती है, काम नहीं मिलता, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, होप्स हो कि मैं आपको कोई ना कोई इसका काम दे दूंगा जो अपने रेलिवेंट होता है। यानी मेरा बहुत सारा काम ऐसा होता है जो मेरे ग्राफिक डिजाइनर, मेरे वीडियो एडिटर जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनसे बढ़ जाता है। तो आप यहां से ले सकते हैं। जैसे ये आप फेसबुक वीडियोज है, आप किसी एक को देख ले, लेट्स सपोज मैं इसी को चूज कर लेता हूं, ये फर्स्ट मेरे सामने आ रही है। अच्छा सर, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके सामने जो टेम्पलेट आ रहे हैं बस इसके अंदर यही मौजूद है। यहाँ पे लाखों के हिसाब से टेम्पलेट पड़े हुए हैं। आपको जिस भी कैटेगरी का चाहिए आप उसके नाम से यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। यानी फूड का चाहिए तो फूड से आप सर्च कर लें, आपको किसी भी तरह का चाहिए तो आप उस तरीके कार से यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें ना तो फाइंड योर ड्रीम हाउस, तो प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं उनको सर इस तरह का काम चाहिए होता है। मैं इसका वॉल्यूम बंद कर लेता हूँ जी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वॉल्यूम भी लगा होगा। आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आप साउंड चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम वीडियो के सेगमेंट में है, ये देख रहे हैं सर आपने यहाँ पे जस्ट पिक्चर्स लगानी है और एक फ्रेम जो है वो रेडी कर देना है और यहाँ पे आपका कस्टमर आपसे हाथों हाथ ये चीज लेगा। जितनी भी बड़ी फॉर्म्स हैं उन सबको इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं जो प्रॉपर्टी से रेलेवेंट है। जितने भी आपके फूड कॉर्नर्स हैं उन सबको इस तरह की वीडियोग्राफी चाहिए होती है जो अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं सर? अपने स्टेटस के ऊपर, अपने पेजेस के ऊपर, ग्रो करने के लिए। ठीक है जी, तो आप उनको ये सर्विसेज दे दें, लोकल लेवल पे दे दें, या आपको यहाँ पे दो तीन प्लेटफॉर्म भी वीडियो में बता देता हूँ जिनके ऊपर जो है वो आप अपनी अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर हम एडिटिंग से करेंगे, तो आप ये नीचे वाली पट्टी भाई देख ले, यहाँ पे सारी की सारी एडिटिंग जो है वो बताई हुई है। आप यहाँ पे लेयर ऐड करना चाह रहे हैं, आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, स्प्लिट करना चाह रहे हैं, यानी काटने के लिए आप स्प्लिट का ऑप्शन यूज करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन यूज आप कर सकते हैं, प्ले बैक का जो उसका साउंड है उसको आप चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन जो है मुख्तलिफ किस्म की वो आप लगा सकते हैं और मुख्तलिफ लेयर्स जो है इसकी बना सकते हैं जो आपस में काम करेंगी। ये टेम्पलेट है, इनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कैनवा के ऊपर अपनी खुद की वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपके जेहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप खुद की वीडियो अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कॉपीराइट फ्री कंटेंट कहाँ से लेंगे? क्योंकि आप अगर कॉपीराइट वाला कंटेंट कस्टमर को डाल कर देते हैं तो भाई वो तो एक घंटे डेढ़ के अंदर आपको वापस फेंक देगा कि ये लो रखो अपना कॉन्टेंट, मैं नहीं लेता। तो आप उसके लिए सिंपल एक आपको तरीकेकार बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे पैक्सल, तो पैक्सल वेबसाइट जो है ये आपने ओपन कर लेनी है। ये भी मोबाइल फोन में आप ऑपरेट कर पाएंगे प्रॉपरली,
यहाँ पे स्टॉक फोटेजेस हैं, इनमें से आप अपनी मर्जी की जो भी स्टॉक फोटेज जो है वो लेना चाह रहे हैं वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ फोटेज नहीं है सर, यहाँ पे आप वीडियोस भी ले सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है कि आपको किस हवाले से जो है वो कंटेंट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मुझे फूड के लिए कंटेंट चाहिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फूड का सारा रेलिवेंट कंटेंट आ जाएगा जिसको आप अपने चैनल के लिए, अपनी वीडियो के लिए, अपने कस्टमर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें जी फूड के अकॉर्डिंगली ऐसी ऐसी आइटम आ चुकी है वीडियो के अंदर के जिसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप इतने बड़े बड़े चैनल देखते हैं ना, इतने बड़े बड़े एड बने हुए होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो खुद शूट करते हैं? वो शूट नहीं करते हैं, वो यहाँ इस तरह का कॉन्टेंट लेके उसको मर्ज करते हैं, जो थोड़ी बहुत उन्होंने शूटिंग या अपनी ऑडियो की होती है उसके साथ अटैच करके बाकी ये चीजें लगाते हैं, लगाने के बाद अपनी वीडियो डालते हैं, कॉन्टेंट अच्छा होता है तो वो ग्रो भी कर जाती है। ठीक है, तो आपने भी भाई इसी तरह से इसका स्कीम बनाना है और स्कीम बना के जो है वो आपने ग्रो करना है। ठीक है, ये एक सैंपल के तौर पे मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आप जाएंगे, आप इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप इसको वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, प्रॉपरली ये वर्क करेगा। अच्छा सर, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि आप अगर कैनवा को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, आप लोकल मार्केट के अंदर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आप अपने लोकल कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आपका कोई फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप टिकटॉक बनाया हुआ है, तो अपने सबसे पहले एड वहां पे लगाना शुरू करें, लोग आपको ऑटोमेटिकली अप्रोच कर लेंगे, आप उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेके उनका थोड़ा थोड़ा काम करते जाएं, आप जो है वो घर बैठे अपनी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। और अगर आपको यही शौक है कि आपने यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, तो भाई साहब आपके पास यहाँ पे 101 प्लेटफॉर्म मौजूद है। ठीक है, आप सबसे पहले आप चले जाएं फाइवर के ऊपर, तो फाइवर का प्लेटफॉर्म जनाब आपके पास मौजूद है। उसके बाद अपवर्क है जिसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं, 99 डिजाइन ग्राफिक्स वालों के लिए बेहतरीन है, आप उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मेरे चैनल के ऊपर भी इन सब प्लेटफॉर्म्स की डिटेल मौजूद है, यानी आपने 99 डिजाइन के लिए काम करना है, उसके ऊपर काम करना है, तो आप लिख ले 99 डिजाइन वकास भट्टी, आपके सामने कंप्लीट ट्यूटोरियल आएगा। कैनवा के ऊपर आपने काम करना है तो कैनवा वकास भट्टी आप लिख ले, कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके पास आ जाएगा। आज की वीडियो में मैंने आपकी काफी सारी चीजें जो है वो कवर करने की कोशिश की है, और मुझे यकीन है कि आप काफी कुछ यहाँ पे सीख भी चुके होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई चीज रह गई है तो आप हमारे प्रॉपर ऑनलाइन कोर्सेज जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे आप ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रॉपर कोर्स करवाया जाता है, आपको हर चीज जो है वो सिखाई जाती है, आपको बकायदा तौर पे मास्टर बनाया जाता है, आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के साथ टूल्स भी सिखाए जाते हैं, और आपको ग्रो करना भी वहां पे प्रॉपरली सिखाया जाता है, और अर्निंग कैसे करनी है ये तो हम साथ सिखाते ही हैं। कुछ पूछना चाह रहे हो तो YouTube कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त